नमस्कार जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यात्रा 200। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज नए व्लॉग में, नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को अपडेट दिखाने वाला हूँ खजूरी खास से लेके बागपत तक। और ये पार्ट बाय पार्ट आएगा क्योंकि लंबा रूट है ना, तो हो सकता दो पार्ट में आए। जैसा भी होगा उस हिसाब से मैं बना दूंगा। बाकी लास्ट अपडेट में आपने देखा होगा कि अक्षरधाम से मैंने खजूरी खास तक का दिया था, जिसमें आप लोगों ने भाई बहुत ही प्यार दिखाया, काफी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया। और बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि ये भैया आगे का, भाई आगे का वीडियो दिखाओ, आगे का अपडेट दिखाओ, तो उसके लिए मैं आज निकल चुका हूँ। जैसा कि फिलहाल आप देख सकते हो, मैं अभी हूँ खजूरी खास, ये सामने बिल्कुल फ्लाईओवर वगैरह, ये आप देख के समझ ही जाते होगे कि भाई ऐसा मतलब तामझाम वाला काम, जहाँ पे एक मेट्रो लाइन निकल रही है, फिर एक फ्लाईओवर के ऊपर, उसके नीचे एक और रोड, और सबसे ऊपर यहाँ पे क्रॉस करता है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। जैसा कि आप सामने देख रहे होगे, बिल्कुल ये सीधा जो है रास्ता, यही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड पार्ट, जो कि ऑलमोस्ट कहते हैं कि भाई 100 फीट ऊंचाई है इसकी। अब पता नहीं भाई ऐसा नापा तो नहीं मैंने, बाकी ऐसा मैंने भी सुना था। तो भाई 100 फीट की ऊंचाई पर है ये, और आप लगा लो एक हाईवे, एक मेट्रो लाइन, सबको ये क्रॉस करता हुआ ऊपर से निकल रहा है। तो अपने आप में भाई जबरदस्त कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे नजारा आपको देखने को मिलता है। बाकी अब हम यहाँ से निकलते हैं, गाइस गैया कह देता हूँ, भाई गाइस भैया दोनों मिक्स हो जाता तो जाता गैया। बाकी यहाँ पे काफी भीड़ मिलती है आपको। अभी तो ये सुबह का टाइम लगा लो 8 बज रहे हैं अभी, ठीक है। सोचो यहाँ दिन, दोपहर या शाम में क्या हाल होता होगा। तो इस जाम से आपको निजात मिलेगी और भाई बड़ा मजा आएगा आपको यहाँ पे ट्रेवल करने में। फिलहाल हम खजूरी खास से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप क्रेन वगैरह लगी है। और लास्ट अपडेट में अगर आपने इधर का देखा होगा भाई, तो आपने देखा होगा कि ये फ्लाईओवर वगैरह, एलिवेटेड वगैरह पार्ट काफी नीचे से खुले हुए थे। आप देखो ना, ये पार्ट काफी खुला हुआ था, बट अभी ना ये सब मस्त एकदम हो गया भाई, तो पूरा नीचे से पैक्ड है। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई काफी काम हो चुका है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अगर सर्विस रोड की बात करें गाइस, तो सर्विस रोड उस टाइम पे बन रहा था जब मैंने लास्ट ब्लॉग, इसका लास्ट अपडेट बनाया था। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्विस रोड भी कम्प्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये चल रहा है गाइस कि अभी भी रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं, जबकि राइट साइड वाली लेन में देख पा रहा हूँ कंप्लीट है, फिर भी लोग इधर से आ रहे हैं, तो अभी ये दिक्कतें यहाँ आपको मिलेंगी। फिलहाल बात करें गाइस, सर्विस रोड भी बहुत तगड़ा बना है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा काम इधर चल रहा है, अभी यहाँ पे लाल बत्ती वगैरह भी लग गई है भाई नीचे। बाकी बात करें गाइस सर्विस रोड पे भी, आप देख रहे हो ना ये क्रैश बैरियर या डिवाइडर जो भी कह लो भाई, इसको बनाने के बाद भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 फीट का तो डिवाइडर ही है, 3 फीट 3.5 फीट है ना, और उसके ऊपर भी फिर एक ग्रिल लगाया गया है ताकि लोग इसको क्रॉस ना कर पाए। तो कुल मिला जुला के गाइज आपका जो ये है ना डिवाइडर, ये भी काफी सेफ है, मतलब सर्विस रोड भी काफी सेफ है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होगे कि सर्विस रोड भी एकदम मस्त सेफ है भाई, और ट्रैफिक पुलिस अपना काम करते हुए। अब ये जो है देखो, ई रिक्शा वाले को रॉन्ग साइड कहाँ लेके जा रहा भाई, अभी ये दिक्कतें मिलेंगी आपको यहाँ पे सर्विस रोड में भाई। तो जब भी अगर आप इस रोड पे अभी ट्रेवल कर रहे हो तो काफी होशियारी से, और ओवर स्पीडिंग या स्पीडिंग मत करना भाई, क्योंकि कहीं से भी कोई भी अभी आ जा रहा है, क्योंकि अभी रोड देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी यहाँ पे देखो एक एंट्री पॉइंट दिया गया गाइस खजूरी खास से, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे आप, मस्त एंट्री पॉइंट है भाई यहाँ पे। और एंट्री आई थिंक मिल रही है कि नहीं मिल रही है अभी एंट्री, आगे से पहले तो यहाँ एंट्री थी, अभी बंद कर रखा भाई, अभी बंद कर रखा है भाई एंट्री यहाँ पे, पहले यहाँ पे एंट्री थी। ये देखो सामने यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया भाई, पहले तो हम यहाँ से जाते थे सीधा, अब मतलब अब समझ जाओ गाइस कि एकदम बिल्कुल फाइनल स्टेज में है ये काम, क्योंकि फाइनल स्टेज में होने के वजह से ही ये ब्लॉक वगैरह लगाए हैं। देख जैसा कि आप देख सकते हो स्पीड कैमरा वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं भाई, और यहाँ पे कुछ लोग अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं क्योंकि रास्ता भी खुला है। तो जैसा कि आपने देखा खजूरी खास से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो एक एंट्री पॉइंट है जो कि पहले खुला था, मतलब रोड ये कंप्लीट है, मैं इस पे जा चुका हूँ, बट अभी ब्लॉक लगाया गया है, मतलब आगे अभी जाना अलाउड नहीं है और कुछ काम चल रहा होगा फाइनल स्टेज का। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग गई हैं, ये भाई गड़बड़ है यार, ई रिक्शा वगैरह आ रहे हैं सामने। तो गाइस सोनिया विहार आगे है, करावल नगर यहाँ से राइट जाएगा और भजनपुरा के लिए यू टर्न। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सर्विस रोड भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे फल वगैरह लगते हैं गाइस, फल मंडी भी है छोटी सी आई थिंक जो साइड में लगाते हैं भाई।
फल मंडी वगैरह भी है भाई रोड के साइड में, तो आप यहाँ से जब भी निकलोगे भाई सर्विस रोड से आपको फल वगैरह भी मिल जाएगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हो भाई अभी भी कोई एंट्री नहीं मिली है, आई थिंक एंट्री इन्होंने रोक दी क्या अभी, क्योंकि लोग जाके ना वीडियोज वगैरह बना रहे थे, तो आई थिंक भाई काम में तो डिस्टर्ब होगा ना अभी कंस्ट्रक्शन। बट यहाँ तो बन चुका था, यहाँ हम ऑलमोस्ट पहले भी मैं जा चुका हूँ, आपने देखा कई बार। और यहाँ से आप देख रहे हो गाइस थोड़ा सा हमें टर्न लेना पड़ेगा, सर्विस रोड यहाँ पे बन रहा है भैया, आगे का ये पेंडिंग है यहाँ पे, जहाँ से आपका ये एक आगे आके अंडरपास से निकलते हो ना, मतलब इस लाइन से जाना, अब हमें अपोजिट लेन से जाना पड़ेगा भाई। तो चलो जी अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें उल्टे लेन में चलना पड़ेगा राइट से, क्योंकि लेफ्ट में सर्विस रोड का काम चल रहा है। बट पहले तो मैं गया था भाई उधर से, मतलब वहाँ भी कुछ फाइनल स्टेप का काम चल रहा है, तो इस तरह से कर करके भाई रास्ता तो अभी कहीं मैं इस पर चढ़ नहीं पाया ऊपर, पता नहीं क्यों इन्होंने ब्लॉक किया है भाई। अब वही है, मुझे लग रहा ना कि अब वही जो अक्टूबर में खुलना है, तो इस हिसाब से भाई फाइनल स्टेप का काम चल रहा है। अब ये देखो जैसे ही कंप्लीट होगा, इसीलिए शायद इन्होंने ब्लॉक करके ना अपना वो लाइटिंग वाइटिंग जो भी है ना ये सेटअप हो रहा होगा, इसीलिए अभी टाइम लग रहा है। चलो आगे चल के देखते हैं। बाकी यहाँ पे राइट साइड में गाइज अगर आप देखोगे आने वाला जो है सर्विस रोड ये भी कंप्लीट है, तो ये देख लो आप, क्योंकि इस साइड का मैंने कभी दिखाया नहीं, तो राइट साइड का आप देख लो सर्विस रोड कंप्लीट है भाई। कंप्लीट तो ये पूरा था, बट हो सकता किसी वजह से इन्होंने बंद किया हो ये, तो अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे भाई, और राइट टर्न लेके निकलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होगे बोर्ड लिखा टोल गेट 1 किलोमीटर पे आगे है, तो भैया टोल भी आने वाला है, और ये टोल तक पूरा खुला था भाई, मैं ऊपर से आया हूँ इस पे, बट ये अभी बंद किया गया। बाकी गाइस यहाँ पे बात करें तो जहाँ पे एलिवेटेड पार्ट नहीं भी है वहाँ भी देखो आप सड़क ना काफ़ी ऊंचाई पे बनाई गई है, तो आप ऐसे एंट्री नहीं पा पाओगे। जैसे जहाँ पे डेडिकेटेड भाई एंट्री दिया गया एग्जिट है वहीं से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सड़क ऊंचाई पे है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया भाई तगड़ा, ये पाइप वगैरह आप देखो साइड में, तो भाई पानी वगैरह तो नहीं रुकेगा सड़क पे, बाकी बनाने में कोई गड़बड़ी ना हुई। बाकी यहाँ पे देखो गाइस थोड़ा सा ये सर्विस रोड थोड़ा यहाँ पेंडिंग रह रहा है एक लेन, अब आई थिंक टोल के पास हमें एंट्री मिलनी तो चाहिए, लेट्स सी। हाँ भाई टोल प्लाजा तो इस बार कंप्लीट दिख रहा भैया, लाइट भी जल रही है, ओहो हो टोल प्लाजा इस बार कंप्लीट दिख रहा भाई। चलो देखते हैं आगे, आप देख पा रहे होगे भाई टोल प्लाजा जो है कंप्लीट है। चले जी आओ, तो ये देखो भाई टोल प्लाजा तक मैं ऐसे ऊपर ऊपर ही आया था पहली बार, अगर पिछले वो आपने देखा होगा तो भाई टोल भी बन चुका है, यहाँ पे देख रहा हूँ मस्त भाई टोल बन गया है, और यहाँ पे टोल के चार्जेज वगैरह भी लिख दिए गए हैं लेफ्ट में, निर्देश वगैरह जो भी रहता है। और ये है भाई लोनी टोल प्लाजा, इस टोल का नाम है लोनी टोल प्लाजा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्रॉस करने के लिए भी बनाया गया ऊपर से सीढ़ी जैसा, ठीक है, स्टेयर्स जिससे आप फुट स्टेप्स जिससे आप क्रॉस कर जाओगे। और ये जाने वाला टोल था, मतलब दिल्ली से जब आप देहरादून की तरफ जाओगे तो ये टोल कटेगा, और सामने से मतलब देहरादून से जब आप आओगे तो ये सामने वाला टोल है। तो भाई कुछ इस तरह से टोल है, आप देख सकते हो भाई बढ़िया अच्छा कंस्ट्रक्शन किया गया भाई यहाँ पे जबरदस्त। तो ये है भाई पूरा लोनी टोल प्लाजा जहाँ पे आपका टोल कटेगा, और ये जाने वाला था मैंने बताया ना कि दिल्ली से जब आप देहरादून की तरफ जाओगे तो टोल भाई बन चुका है। गुड न्यूज ये है कि टोल कम्प्लीट है, और जब टोल कंप्लीट हो गया तो बस समझ जाओ भाई टोल क्योंकि फाइनल स्टेप ही होता है, क्योंकि भाई बिना पैसा लिए आपको जाने थोड़ी ना दिया जाएगा। तो जब भाई टोल बन गया तो मतलब हो गया एंट्री। बाकी आप ये सामने देखो गाइस यहाँ पे अभी ये वाला मेन अभी यहाँ पे बंद है, क्योंकि जब ये वाला आपका एलिवेटेड पार्ट उठेगा गाइस तो ये सीधा आपका बागपत जाएगा, ठीक है। इस पे स्पीड लिमिट की बात करें गाइस आप देख सकते हो 100 की स्पीड लिमिट है, बढ़िया घर के भाई। तो ये कुछ अपडेट रहा गाइस टोल प्लाजा तक, ठीक है। अब हम टोल प्लाजा से आगे का अपडेट दे रहे हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा,
यहाँ तक अगर आपने देख लिया इसको तो भाई लाइक कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि इसके आगे का अपडेट आपको मिल सके और आने वाले कुछ इस तरह के जो भी कंस्ट्रक्शन है, ट्रैवल है, सारे मतलब ट्रैवल का भी मैं डालता हूँ तो उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। तो अगर ऐसा कुछ आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।